शशि थरूर बोले, 400 सीट पार का दावा मजाक है, 300 पार असंभव और 200 पार भाजपा के लिए चुनौती। शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भाजपा का 400 पार का दावा करना एक मजाक है, 300 पार करना उनके लिए असंभव है, उनके लिए 200 पार करना चुनौती है। भाजपा को केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। दक्षिण के राज्यों में उनका प्रदर्शन 2019 से भी खराब रहेगा। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जाम साहब शत्रुसल सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। मोदी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम ने ट्वीट किया, उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई, उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है, उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। मुंडन समारोह में शामिल हुई स्मृति, बच्चों को मिठाई खिलाई। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी गुरुवार को अमेठी के गौरीगंज में एक मुंडन समारोह में शामिल हुई। स्मृति ने वहां परिवार से मिलकर गिफ्ट और मिठाइयां दी। ईसा ने पीएम मोदी को बताया बूढ़ा, कहा मोदी 75 साल में तीसरा मौका मांग रहे हैं। बीजेपी बोली, ये है लालू परिवार के संस्कार। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बड़ी बेटी बीसा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी को बूढ़ा कहा है। गुरुवार को बीटा में चुनाव प्रचार के दौरान बीसा भारती ने कहा कि एक तरफ देश के अग्निवीर सैनिक 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के बूढ़े हो गए हैं, इसके बाद भी जनता से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। मीसा ने आगे कहा कि आम जनता ने पिछले 10 सालों में 2 बार उन्हें देश चलाने का मौका दिया है, उन्होंने 10 सालों में लोगों के लिए क्या किया जो अब तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। जनता सब समझ गई है, फिर मौका नहीं देने वाली। प्रियंका बोली, मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए, कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो गायब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लेकर आए। यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसके तहत अपने बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उनके ऊपर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जाँच बंद कर दी। प्रियंका ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कहा कि टीका लगवा कर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओ तो नहीं मिलेगी। यूपी के कैसरगंज से बृजभूषण सिंह के बेटे करण को टिकट, यौन शोषण के आरोप से घिरे हैं सांसद। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों में घिरे बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह का यूपी के कैसरगंज से लोकसभा टिकट कट गया है। इस सीट से भाजपा ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। भाजपा को आशंका थी कि बृजभूषण का टिकट कटने से ठाकुर बिरादरी नाराज हो सकती है। बृजभूषण सिंह का 6 सीटों पर प्रभाव है। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने भी इसका ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, करण भूषण सिंह को कैसरगंज से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। करण भूषण 3 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बहस की मांग की। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बहस की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा उम्मीदवारों को आपके लिखे पत्र की भाषा और सामग्री से यह ऐसा लगता है कि आप में बहुत हताशा और चिंता है जो आपको ऐसी भाषा का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। ये प्रधानमंत्री के पद के लिए उचित नहीं है। पत्र से ऐसा लगता है कि आपकी भाषणों में झूठ का वह प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो आप चाहते थे। अब आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार आपके झूठ को बढ़ाएं। एक झूठ को 1000 बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाएगा। खड़गे ने आगे लिखा कि भाजपा दावा कर रही है कि SC ST OBC से आरक्षण छीन लिया जाएगा और हमारे वोट बैंक को दे दिया जाएगा। हमारे वोट बैंक हर भारतीय हैं। भाजपा के पक्ष में कम मतदान पड़ रहे हैं जिससे पार्टी चिंतित है। लोग आपकी नीतियों के प्रति उत्साहित नहीं हैं। राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट में कहा, अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 2 मई को एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर कहा कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी और ना मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। राहुल ने आगे कहा कि साल 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे। गुजरात में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम ने आणंद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान की आकाश दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई है।
पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी ने बठिंडा में कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारे 9 प्रत्याशी घोषित भी कर दिए गए हैं, 1-2 दिन में बाकी 4 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं राज्य में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी में सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही इंडिया में शामिल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया था। ओडिशा की मयूरभंज लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन की बहन को टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी को ओडिशा के मयूरभंज से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। यहां उनका मुकाबला भाजपा के नवाचरण मांझी और बीजेडी के सुदामा मारंडी से होगा। अंजनी सोरेन ने 2019 के आम चुनाव में झामुमो उम्मीदवार के रूप में मयूरभंज लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। उन्हें 1,35,552 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रही थी। लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी का पहला मध्य प्रदेश दौरा, आज मुरैना में जनसभा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार 2 मई को पहली बार मध्य प्रदेश आई। प्रियंका मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू के पक्ष में दोपहर 2 बजे जनसभा किया तथा 2 दिन पहले राहुल गांधी भी भिंड लोकसभा क्षेत्र में आए थे। ममता बोली, बीजेपी परिणामों से छेड़छाड़ कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि भाजपा नतीजों में हेरफेर कर सकती है क्योंकि कई ईवीएम गायब पाई गई हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने आयोग से पूछा कि आखिर डेटा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। बता दें, लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं, 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज। सब तक के लिए धन्यवाद।